एक छोटी सी ना कहानी है। एक गांव में 80 साल का बुजुर्ग था। उसके पास एक घोड़ा था। तो काफी लोग, गांव के लोग उसके पास आए। तो उन्होंने उस बूढ़े को बोला कि आप ना इस घोड़े को बेच दो और इसके बदले में आपको बहुत पैसे मिलेंगे और आप बहुत बड़े अमीर हो जाओगे। उस बुजुर्ग ने कहा गांव वालों को कि क्या पता ये घोड़ा भगवान ने, हमारे ईश्वर ने, परमात्मा ने इस घोड़े को मेरे पास भेजा होगा ताकि मैं इसकी खातरदारी, इसकी सेवा करूं। और मेरा खुद का ईमान नहीं कहता कि मैं इस घोड़े को बेच के पैसों का लालच करूं। तो गांव वाले वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा अपने मालिक से छुटके जंगल में चला गया। गांव के लोग फिर आए, उन्होंने बताया, फिर बुजुर्ग बूढ़े को बोला कि देखा, आपको बोला था ना कि आप इस घोड़े को बेच दो, इसके बदले पैसे कमा लो। फिर बुजुर्ग बोलता है कि देखो, ये भी क्या पता परमात्मा की इच्छा हो कि मेरे पास घोड़ा आया है, वो क्या पता उसने अच्छे के लिए उस घोड़े को मेरे से दूर किया हो। तो एक हफ्ते बाद वो घोड़ा अपने साथ में 20 घोड़े लेके आता है जंगल से। तो जब 20 घोड़े आते हैं, गांव के लोग फिर आते हैं, फिर उस बुजुर्ग को बोलते हैं कि अब आपके पास 20 घोड़े हो गए और अब आप इनमें इनको एक एक करके बेच दो, आप बहुत अमीर बन जाओगे, बहुत महंगे घोड़े हैं ये। वो बुजुर्ग फिर कहते हैं कि क्या पता ईश्वर ने, भगवान ने मुझे इनकी सेवा करने का भी सौभाग्य दिया हो, मैं इनको नहीं बेचूंगा। उस बुजुर्ग का एक लड़का था। तो एक दिन वो लड़का उन घोड़ों को घुमाने के लिए लेके जा रहा था, घोड़सवार करने के लिए। तो अचानक वो घोड़े से गिर के उसकी दोनों लातें खराब हो जाती है। गांव वाले फिर आते हैं उस बुजुर्ग के पास, कहते हैं देखा मूर्ख बूढ़े, तुम्हें बोला था ना कि इन घोड़ों को बेच दो, अच्छे पैसे कमा लो। अब तुम्हारा इकलौता लड़का था, उसके भी पैर तोड़ दिए घोड़ों ने, अब भी तुम्हें कह रहे हैं कि घोड़े को बेच दो और पैसे कमा लो ताकि तुम और तुम्हारा लड़का अच्छी सूरत दौलत से जिंदगी जिए। मोल के हिसाब से एक कानून पास होता है कि जितने भी गांव में जंग छिड़ जाती है कि जितने भी गांव के नौजवान लड़के हैं उनको सभी को सेना में भर्ती होना पड़ेगा। तो गांव के जितने भी लड़के होते हैं उनको सभी को उठा के ले चल जाते हैं सेना के लिए, भर्ती करने के लिए। पर उस बुजुर्ग के लड़के को छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी दोनों लाते काम नहीं करती। तो अब वो लड़का घोड़ों को लेकर जब जाता था, राजा के महल के आगे से निकलता था, तो वहाँ राजा की जो लड़की थी उससे आपस में तालमेल हुआ, तो वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। ठीक है जी। तो राजा ने उनकी दोनों की शादी कर दी, महल का राजा बना दिया। ठीक है। वो बेचारा बुजुर्ग गांव के बाहर बैठ के गेट के पास देखता होता था कि यार अब कोई क्यों नहीं आ रहा मुझे बताने के लिए कि राजा तुम, बुजुर्ग तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में अगर हमारी लाइफ में कुछ उतराव चढ़ाव आते हैं, दुख सुख आता है, तो हमें उस ईश्वर का, उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि उसने हमें दुनिया में भेजा है। तो अच्छे बुरे हर चीज़ का वो ध्यान रखता है। अगर आपकी आत्मा, आपका मन साफ है ना, तो हमेशा अपने आप को और खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ। लोगों की इतनी बातें ना मानो क्योंकि हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है। अब आपकी कुछ और सोच है, मेरी कुछ और सोच है, आपकी उम्र के हिसाब से आपके पास कितना ज्ञान है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे पास कितना ज्ञान है वो, मैंने कौन कौन सी किताबें, कौन कौन संगत रंगत में मैं रहा हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है।
तो सभी के विचार अलग अलग होते हैं, तो कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए जिंदगी में कि कोई चीज़ हमें मिल गई तो हम अपने आप को कहने लग जाए जी हम तो बहुत अमीर है, ये है। इंसान खाली हाथ आता है, अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इंसान का जीवन मिला है, वो जीवन किस लिए मिला है? दुनिया के अंदर सभी से प्यार प्रेम से रहने के लिए, भगवान का सिमरन करने के लिए।